हमारा प्रोफेशन ऐसा है, हमारे पास जो मरीज आते हैं वो कई बार जिंदगी और मौत के बीच में लटके हुए होते हैं। हमारा एफर्ट उनको वापस ज़िंदगी दे सकता है या शायद वो ना भी बच पाए। उनकी बॉडी पर लगभग 150 ml सीमन मिला है, ह्यूमन सीमन मिला है। ये एक आदमी से बेसिक ज़्यादा है। एग्जैक्टली, एक आदमी से पॉसिबल ही नहीं है, ये एक आदमी का काम नहीं है। घटना स्थल पे जिस तरीके से उसको सुसाइड किया, पहले पुलिस द्वारा बताया गया, इन 3-4 दिनों में क्या जो वो घटना स्थल है जिस जगह पे ये चीजें हुई है, क्या एविडेंस को डिस्टर्ब नहीं किया गया होगा, क्या एविडेंस डिस्टर्ब नहीं हुए होंगे? कभी भी कोई क्राइम होता है तो जो इन्वेस्टिगेट करने की टीम होती है वो फोरेंसिक मेडिसिन की टीम होती है, और फोरेंसिक डिपार्टमेंट हर एक मेडिकल कॉलेज के अंदर है, तो बेसिकली उन्हीं का काम है। तो आप अपने FMT डिपार्टमेंट को बुला के, शुरुआत में ही हो सकता था, जब पुलिस वहां पहुंची तुरंत हो सकता था, डे वन पे हो सकता था, उसी दिन हो सकता था। इसमें 18 तारीख तक वेट करेंगे फिर हम CBI को दे देंगे, किस लिए? 9 अगस्त को कोलकाता में आरजेकर मेडिकल कॉलेज में ये पता चलता है कि एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं, उनके साथ हत्या होती है, बुरी तरीके से उनके साथ बलात्कार होता है। ये 9 अगस्त को पता नहीं चलता है, पुलिस जाती है और पुलिस तमाम चीज़ों पे ये कहती है कि सुसाइड हुआ है और जो भी उनकी चीज़ें हैं, लेकिन बाद में जब CBI आती है, कोर्ट में ये मामला जाता है, CBI की बातें सामने आती हैं और जो रिपोर्ट्स आते हैं उसमें ये चीज़ें क्लियर होती हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ और दिल्ली में जो यहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, जितने भी दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल हैं, सारे हॉस्पिटल्स के डॉक्टर हड़ताल पे हैं। डॉक्टर्स की कई मांगें हैं। हमारे साथ हैं संजीव कुमार, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं, एम्स में हैं। ये सब कुछ आपको समझाएंगे कि इनकी डिमांड क्या है, क्या सिर्फ उस केस को लेकर डिमांड है या इनको और कुछ इनकी मांग है डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर, ये हमसे बात करेंगे। क्या मुख्य डिमांड क्या है? देखिए, सबसे पहली डिमांड तो ये है कि अभी तक इस दुर्घटना के बाद जो प्रशासन है उसने क्या कदम उठाया। जो पहला कदम उठाया है वो हाई कोर्ट ने उठाया है कि केस को CBI के को हैंडओवर करने की बात की गई। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रोल नहीं अभी तक इसमें और प्रशासन का कोई रोल नहीं। दूसरी बात ये है कि जो ऑटोप्सी की रिपोर्ट आई है रेजिडेंट डॉक्टर की, उसमें उसकी बॉडी पे जो एविडेंसेस मिले हैं वो एविडेंसेस क्लियर कट इंडिकेट करते हैं कि ये एक आदमी का काम नहीं है। तो ये सिर्फ रेप नहीं, वो कैसे, जरा इसको थोड़ा सा। हाँ, उनकी बॉडी पर लगभग 150 ml सीमन मिला है, ह्यूमन सीमन मिला है। ये एक आदमी से बेसिक ज़्यादा है। एग्जैक्टली, एक आदमी से पॉसिबल ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उनकी बॉडी पे जो उनके हिप का फ्रैक्चर हुआ है, और ये बात मीडिया में भी आई है, उनके रेजिडेंट, उनके रिलेटिव्स ने ही बताया है कि उनका हिप 90 डिग्री पे बेंड था। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी इंसान, और जिस इंसान को पकड़ा गया है उस केस में, कोई भी इंसान किसी भी व्यक्ति का पैर मोड़कर अकेले 90 डिग्री पे बेंड करके फ्रैक्चर नहीं कर सकता। उसकी आँखों के अंदर उसके चश्मे के टुकड़े, टूटे हुए कांच के टुकड़े मिले हैं। जिस तरीके से उसको स्ट्रैंगुलेट किया गया है, उसके कार्टिलेज का फ्रैक्चर हुआ है, नेक में बहुत सारे कार्टिलेज होते हैं, थायराइड कार्टिलेज, इनका फ्रैक्चर हुआ है। ये सारी चीज़ें एक इंसान के बस की नहीं है, और अभी तक आपने पकड़ा क्या है, सिर्फ एक व्यक्ति को। एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। तो हमारी पहली डिमांड ये है कि इस केस के जितने भी एक्यूज्ड हैं उन सबको पकड़िए, पकड़ने के बाद एक स्पीडी ट्रायल हो और उनको जल्दी से जल्दी सज़ा मिले, जो भी सज़ा उनको कानून के हिसाब से मिलनी चाहिए वो मिले। पहली डिमांड। दूसरी डिमांड ये है कि आप किसी भी इंसान की ज़िंदगी को किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते, चाहे वो पैसा या कुछ भी है, बट फिर भी हम ये डिमांड करते हैं कि जो हमारे साथी की जान चली गई, उसको मार दिया गया इतनी क्रूरता के साथ, उसको एक फेयर कंपनसेशन उसके परिवार को मिलना चाहिए। ये कंपनसेशन स्टेट गवर्नमेंट दे, ये कंपनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट दे, लेकिन उसको एक फेयर कंपनसेशन मिलना चाहिए। तीसरी बात यह है कि हम ये भी चाहते हैं कि उस लड़की को शहीद का दर्जा दिया जाए, मार्टियर का दर्जा दिया जाए। वो लड़की हमारे वर्क प्लेस पे काम करते हुए, अपनी सर्विस देते हुए मारी गई है। उसका ब्रूटल रेप हुआ और उसका मर्डर हुआ काम करते हुए, तो उसको एक मार्टियर का स्टेटस मिलना चाहिए और उसके नाम से हॉस्पिटल के अंदर कोई ऐसी बिल्डिंग या कोई लाइब्रेरी स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि लोग पूरी, जब तक ये धरती रहे, लोगों को याद रहे कि किसी ने ऐसा कुछ गलत किया था। इसके बाद ये
इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि जो केस हुआ जिस दिन सुबह मिलता है, पुलिस वहाँ पहुँचती है, आप डॉक्टर हैं, आपको इस चीज़ को ज़्यादा समझ भी होगी कि घटना स्थल पे जिस तरीके से उसको सुसाइड के पहले पुलिस द्वारा बताया गया, फिर ममता बनर्जी जाती हैं 3-4 दिन बाद ये बोलती हैं कि हम 18 तक अगर रिपोर्ट सही से नहीं आया तो मैं CBI को केस दूंगी, और उसके अलावा तो ऐसा होता नहीं है। फिर दूसरे दिन हाईकोर्ट कहता है 13 तारीख को कि हाईकोर्ट ये कहता है कि CBI को हैंडल किया जाएगा। इन 3-4 दिनों में क्या जो वो घटनास्थल है जिस जगह पर ये चीज़ें हुई हैं, क्या एविडेंस को डिस्टर्ब नहीं किया गया होगा, क्या एविडेंस डिस्टर्ब नहीं हुए होंगे? देखिए, इसकी बहुत संभावना है कि एविडेंस के साथ टैम्परिंग की गई होगी, और अगर ऐसा हुआ होता है तो ये एक सेपरेट केस है, टैम्परिंग विद द एविडेंसेस, ये एक अलग से केस बनता है। इसकी पूरी संभावना है, ऐसा हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वो घटना होने के बहुत देर बाद तक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो टीम गई है उसको अंदर एंट्री नहीं मिली है। मैं आपको बताऊं, कोई भी मेडिकल कॉलेज होता है ना, उसके कॉलेज के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट, FMT डिपार्टमेंट। उन्हीं के प्रोफेसर्स, उन्हीं के डॉक्टर्स किसी भी क्राइम सीन को, पर्टिकुलरली मर्डर या रेप जब होता है तो उस क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करते हैं पुलिस के साथ। तो पुलिस को अगर आप प्राइमा फेसी एविडेंस देते हो कि यहाँ पर एक ह्यूमन के साथ कुछ हुआ है, तो आप अपने FMT डिपार्टमेंट को बुला के, शुरुआत में ही हो सकता था, जब पुलिस वहाँ पहुँची तुरंत हो सकता था, डे वन पे हो सकता था, उसी दिन हो सकता था। इसमें 18 तारीख तक वेट करेंगे फिर हम CBI को दे देंगे, किस लिए? ये क्या मतलब, ऐसा लग रहा है जैसे दिशा बदलने के लिए, ये आप जो चीज़ हुआ है एग्जैक्ट उसको बदल दो ताकि आरोप न लगे, मामला न बड़ा हो, ये चीज़ें हैं। क्योंकि जब हॉस्पिटल में हो रहा है, हॉस्पिटल में ऐसे डिपार्टमेंट हैं तो इनको कहीं और से तो लाने की जरूरत नहीं है। ये तो सारे, आप किसी भी, कभी भी कोई क्राइम होता है तो जो इन्वेस्टिगेट करने की टीम होती है वो फॉरेंसिक मेडिसिन की टीम होती है, और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट हर एक मेडिकल कॉलेज के अंदर है, तो बेसिकली उन्हीं का काम है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसी चीज़ हो रही है और इन्वेस्टिगेशन को इतना डिले किया जा रहा है, तो देयर इज़ समथिंग फिशी, वी डोंट नो। हम कोई चीज़ के ऊपर ना क्लेम कर रहे हैं और ना हम किसी चीज़ से मना कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CBI को बिल्कुल अनबायस तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और जो भी फाइंडिंग्स हैं वो सबके सामने रखना चाहिए, और इसका फेयर एंड स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। स्पीडी ट्रायल से ही जुड़ा जो आपका डिमांड है, CPS सेंट्रल प्रोडक्शन एक्ट जो है उस पर आप लोग लगातार डिमांड भी कर रहे हैं, और ये डिमांड अभी की नहीं है इनकी, ये डिमांड पिछले 4 साल से चल रही है, और बीच में आई भी थी, कोरोना टाइम में आई थी, और वो पेंडेमिक के साथ वो चली भी गई। क्या है इसको, जरा हमारे दर्शकों को इसको समझाइए कि आपकी ये डिमांड क्या है, डॉक्टर्स को स्पेशल व्यवस्था क्यों चाहिए? ये जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है, ये बेसिकली CPA, इसका जो एक्चुअल नाम है इस बिल का, वो है प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट्स, ये इस बिल का पूरा नाम है एक्चुअली। ये सबसे पहले 2019 में हमारे एम्स इंस्टीट्यूशन के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने इस बिल के प्रोविजंस को फॉर्मुलेट किया था, जो पहला इनिशियल ड्राफ्ट था। उसके बाद इसको पार्लियामेंट में टेबल किया गया था, लेकिन ये बिल कभी भी, ये बिल उसके बाद कोविड आ गया, फिर उन्होंने कोविड का हवाला देके चीज़ों को ठंडे बस्ते में डाल दिया, वो बिल कभी आगे बढ़ा नहीं। जब सारी चीज़ें ठीक हुई तो 2022 में डॉक्टर सेंथिल कुमार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने ये बिल वापस से संसद में पुट किया। अगर मुझे ठीक से याद है तो बिल नंबर 280 समथिंग करके ये बिल था। अब चूंकि ये बिल लॉ से रिलेटेड है, लॉ से कंसर्न है, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसमें दो मिनिस्ट्रीज डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। एक है होम मिनिस्ट्री, जो कानून और इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, और दूसरी है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। तो उस टाइम पे 2022 में होम मिनिस्ट्री ने इस बिल को ये बोल के मना कर दिया कि वी हैव टू प्रोवाइड सेपरेट फंड्स, वी हैव टू एलोकेट सेपरेट फंड्स, पहला उनका रीज़न था। दूसरा रीज़न था कि अगर हम ये बिल प्रपोज करते हैं, पास कर देते हैं और एक एक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो दूसरे प्रोफेशन के लोग भी हमसे इसी तरीके के सिक्योरिटी और सेफ्टी बिल्स की डिमांड करने लगेंगे। फिर से ये बिल ठंडे बस्ते में चला गया, और अब 2 साल हो गए इस बात को। 2 साल के बाद ये इतनी बड़ी दुर्घटना घटी हमारे एक साथी डॉक्टर के साथ, उसके बाद अब वो समय आ गया है कि हम उस बिल को और ज़्यादा ना खींचें और उस बिल को पास करें। चूंकि अभी पार्लियामेंट का सत्र नहीं चल रहा है, अगला सत्र विंटर सेशन है, वो विंटर में आएगा,
तो हम ये भी चाहते हैं कि ये बिल सेंट्रल ऑर्डिनेंस की तरह लाया जाए और राष्ट्रपति ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एज अ सेंट्रल ऑर्डिनेंस इसको पास कराया जाए ताकि ये एक एक्ट के फॉर्म में इस बिल को लागू किया जा सके। अब क्यों आप लोगों की जो धरना जो दे रहे हैं और आपकी टीम भी है, कोई मुलाकात हुई मिनिस्ट्री से, उन लोगों से कुछ इस विषय को लेकर बात हुई, कुछ भरोसा आश्वासन मिला क्या? अभी तक आज से पहले तक मंत्रालय के किसी भी व्यक्ति से हम लोगों का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। हमने मिनिस्ट्री में अपॉइंटमेंट्स के लिए भी ट्राई किया, मिनिस्ट्री में जाके हमने बात करने की कोशिश भी की, हमने उनको मल्टीपल टाइम ईमेल्स भी भेजा सब कुछ, लेकिन हमारे पास कोई एश्योरेंस नहीं आया, किसी भी तरीके का कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर हमने डिसाइड किया कि हम सीधे मंत्रालय पर ही जाके बात करते हैं, तो हम यहाँ पर आए। आज यहाँ पर हमारा डेलीगेशन अंदर गया, उन्होंने उनसे बात किया और वो उन्होंने ये बोला है कि हमें कुछ समय चाहिए इस पर विचार करने के लिए, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि हम आपके जो मांगे हैं उसको हम एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो अभी हमारा डेलीगेशन अंदर है, बातचीत चल रही है, जैसा भी होगा वो टाइम के साथ ही पता चलेगा। डेलीगेशन अंदर है, बातचीत चल रही है। एक चीज़ जो जैसा कि आपने बताया भी कि गवर्नमेंट का तर्क है कि और भी जो डिपार्टमेंट और भी लोग हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई टीचर है, तमाम तरह के लोग हैं, उनको भी फिर ऐसे अपने लिए स्पेशल कानून चाहिए होगा और वो ऐसी डिमांड करेंगे, तो क्या आपको मतलब कि जैसे आप लोग अपना पक्ष रहे हैं उसके पीछे क्या है, उत्तर क्या है कि आप लोगों को अलग से चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स में तो सिक्योरिटी गार्ड पुलिस ये सारी चीज़ें भी रहती हैं और जो भी सीआर जो कानून व्यवस्था है देश की उसमें तो सबके लिए बराबर है, किसी को मारने पीटने पर सजा तो है, व्यवस्था है, अलग से क्या डॉक्टर्स को चाहिए? आप सिर्फ परसों का एग्जाम्पल लीजिए, 9 तारीख को गैंगरेप हुआ, 10 तारीख को इन्फॉर्मेशन बाहर आई, उसके बाद से हॉस्पिटल्स प्रोटेस्ट पे हैं। आरजीकर हॉस्पिटल के बाहर पूरी फुल प्रूफ सिक्योरिटी तैनात है, ठीक है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी तैनात है। सिक्योरिटी तैनात होने के बावजूद भी परसों रात को इतनी बड़ी भीड़ अस्पताल के अंदर घुस जाती है, रैपिड एक्शन फोर्स है, पुलिस फोर्स है, कलकत्ता की लोकल जो भी फोर्सेज हैं सब कुछ है, उसके बावजूद वो भीड़ अस्पताल के अंदर घुसती है, इमरजेंसी को उन्होंने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, सेकेंड फ्लोर पे ईएनटी वार्ड था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, इमरजेंसी के अंदर एक भी चीज़ यूज़ करने लायक नहीं बची। आप बताइए, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी भीड़ घुस कर अगर एक अस्पताल को तहस नहस नष्ट कर सकती है, तो जहाँ पर जिन अस्पतालों में कोई सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पर क्या होगा? जब हम इस चीज़ को किसी दूसरे प्रोफेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किन चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं। हमारा प्रोफेशन ऐसा है, हमारे पास जो मरीज आते हैं वो कई बार ज़िंदगी और मौत के बीच में लटके हुए होते हैं, हमारा एफर्ट उनको वापस ज़िंदगी दे सकता है या शायद वो ना भी बच पाए। जो मरीज के तीमारदार लोग हैं, जो मरीज के साथ आते हैं, वो लोग हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे मरीज के साथ सब कुछ अच्छा हो, और अच्छा मतलब मरीज वॉक चल के बाहर जाए, लेकिन हर बार ये संभव नहीं होता। वो इमोशनली मरीज के साथ जुड़े हुए हैं, उनका इमोशन बाहर आना लाजमी है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हम समझते हैं, इन बातों को इमोशनल सेटबैक्स होते हैं, इमोशनल आउटबर्स्ट होते हैं, वो चिल्लाते हैं, हम सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं, ये किसी भी प्रियजन के साथ होगा, ये चीज़ें होनी बिल्कुल लाजमी है, हमें उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वॉयलेंस करना सिस्टम के साथ, अस्पताल में तोड़फोड़ करना, या किसी डॉक्टर को, किसी नर्स को, किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को चोट पहुंचाना, इसके हम बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, ये हम नहीं चाहते कि ये किसी के साथ भी हो। दूसरे प्रोफेशन से हमारा प्रोफेशन इस जगह पर अलग हो जाता है, क्योंकि हमारा प्रोफेशन पब्लिक डीलिंग करता है, वो भी ज़िंदगी और मौत के बीच में। दूसरे प्रोफेशन में पब्लिक डीलिंग है लेकिन ज़िंदगी और मौत का सवाल नहीं है। तो अगर हम इतने सेंसिटिव प्रोफेशन में हैं, इतने सेंसिटिव तरीके से काम कर रहे हैं, तो हमारे पास सेंसिटिव लॉज भी होने चाहिए, सेंसिटिव प्रोविजंस भी होने चाहिए, जो हमें सेफ गार्ड करें उन चीज़ों से जिसकी वजह से ये दुर्घटना घटी है कलकत्ता में। मतलब जैसे वर्दी पे कोई पुलिस अधिकारी है, पुलिस है, उसके ऊपर अगर कोई अटैक करता है तो उसके लिए अलग से नियम है, अलग से नियम है, व्यवस्था है। तो इनको भी चाहिए कि सेंसिटिव मामला है, कोई किसी की डेथ हो रही है, कोई बड़ा बड़े दुर्घटना करके आया, तमाम गुस्सा में लोग होते हैं, तो वहाँ पे ऐसी सुरक्षा होनी चाहिए। क्या क्या है इसमें, आप जो कानून क्या डिमांड? ये जो प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है, इसके अंदर जो कुछ मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बिल 9-10 पन्ने का है, तो
जो इसमें सबसे प्राइमरी चीज़ है, दो चीज़ों को डिफाइन किया गया है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल हम किसे कहते हैं और क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट हम किसे कहते हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल का मतलब है कि वो सारे इंसान जो एक मरीज की सेवा में लगे हुए हैं, अब वो डॉक्टर भी हो सकते हैं, वो नर्सेज हो सकती हैं, वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, वो हेल्थ केयर स्टाफ हो सकता है जो एडमिशन काउंटर पे बैठता है, ये सारे लोग उस हेल्थ केयर प्रोफेशनल की लिस्ट में कंसिडर किए जाएँ। क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट जो शब्द है उसका मतलब ये है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी सेटअप है, अब उसमें काउंटर है आपका, आपके जो मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें, बेड्स हैं, वो सारी चीज़ें आपके क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट्स में आती हैं। इनमें से अगर किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचता है तो ये कानून उसके ऊपर लगाया जाए। अब ये कानून कैसे लगाया जाए? ये कानून लगाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है कि हम अपने कानून, अपनी बात को कहें किसके पास जाके। तो आज अगर मान लीजिए कि मुझे अस्पताल में कोई झापड़ मार के चला जाए या मेरा हाथ पैर तोड़ के चला जाए, तो मेरे पास इन्फॉर्म करने की जगह जो है वो पुलिस स्टेशन, जहाँ FIR मैं लिखवा सकता हूँ। अगर मैं वहाँ पर FIR दर्ज कराता हूँ तो पुलिस का एक फिक्स कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, CRPC जिसको बोलते हैं, जो अभी BNS भारतीय न्याय संहिता में बदल गया, तो उसके तहत वो इन्वेस्टिगेट करेगी, उसके तहत वो सूचना इकट्ठी करेगी। अब ये जो CRPC है ये डिफाइन नहीं करता है कि आप मेडिकल प्रोफेशन के हैं या नॉन मेडिकल प्रोफेशन के, आप डॉक्टर हैं या नहीं हैं, वो सबको एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं वो इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स हो सकते हैं जो इन्वेस्टिगेट करते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस लॉ के थ्रू ये प्रोविज़न बनाया जाए कि अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसका एक ग्रीवेंस एड्रेसल सिस्टम हो हर एक हॉस्पिटल के अंदर, और हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसी कमेटीज़ हों जहाँ पर हम अपने इन ग्रीवेंसेस को पुट ऑन कर सकें, नंबर वन। नंबर टू, इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर्स के थ्रू इंक्वायरी ना करके, जैसे अगर किसी पुलिस ऑफिसर के साथ आपने बोला कि कोई वॉयलेंस होता है, कुछ भी होता है, तो वो इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं करता, वैसे ही हमारे साथ अगर कुछ होता है तो एटलीस्ट डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द पुलिस रैंक का ऑफिसर डेजिग्नेट होना चाहिए उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये हमारी दूसरी डिमांड है। तीसरी चीज़ जो CRPC कहती है कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ नेचर ऑफ द क्राइम, जो क्राइम है वो नॉन कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल होता है। इसका मतलब है कि अगर किसी ने मुझे झापड़ मार दिया और मैंने पुलिस को बोला, तो वो हो सकता है कि कोर्ट उसको बेल दे दे जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है तब तक। हम ये चाहते हैं कि इस बिल में ये प्रोविज़न है कि कोई भी वॉयलेंस, कोई भी हिंसा जो डॉक्टर के अगेंस्ट या किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के अगेंस्ट होती है, उसमें कॉग्नाइजेबल ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जाए एंड नॉन बेलेबल हो, जब तक कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती है, ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक ये ऑफेंस को नॉन बेलेबल की तरह ट्रीट किया जाए। इसके बाद जो ऑफेंस होता है, अब उसमें आप ग्रीवियस इंजरी, नॉन ग्रीवियस इंजरी की तरह उसको डिफाइन कर सकते हैं। ग्रीवियस इंजरी मतलब अगर मेरी बॉडी का कोई पार्ट लॉस हो गया या मुझे कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, ये सारे ग्रीवियस इंजरीज में आते हैं। नॉन ग्रीवियस इंजरी कि किसी ने मुझे मुक्का मारा, मुझे चोट लगी, लेकिन मुझे उससे कोई लॉन्ग टर्म के लिए कोई हार्म नहीं हुआ, तो वो नॉन ग्रीवियस इंजरी है। CRPC में ग्रीवियस इंजरी ही नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, नॉन ग्रीवियस इंजरी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरीके की प्रोविज़न बनाए जाए। जहाँ तक सज़ा का सवाल है, सज़ा देने के लिए जो 3 साल मिनिमम ऑफ 6 months to 3 years, चाहे वो नॉन ग्रीवियस इंजरी ऑफेंस हो, उसमें भी मिनिमम ऑफ 6 months to 3 years तक का सज़ा का प्रावधान हो, प्लस अगर वो ग्रीवियस इंजरी है तो 3 years से लेकर 10 years तक, और अगर इस प्रकार का कोई हीनियस क्राइम होता है जो बिल्कुल आउट ऑफ थॉट प्रोसेस है, तो उसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल पनिशमेंट है, जो कैपिटल पनिशमेंट है, उसका भी प्रावधान होना चाहिए। ये सब कुछ इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो बेसिकली मोटा मोटा इस बिल में जो प्रावधान है वो ये हैं जिसके लिए हम लोग यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं।
अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी तो हो सकता है कि हॉस्पिटल में ऐसे मतलब कि पुलिस चौकी हो और वहाँ पे, क्योंकि आम लोगों को भी दिक्कत होती है कई बार, ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल में हमको घुसने नहीं दिया गया, हमको ये नहीं करने दिया गया, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और वो जाने नहीं दिया जा रहा है, उसमें तमाम बवाल होता है। तो दोनों लोगों को अगर वो पूरा मैनेज किया जाए, दोनों लोग मैनेज किया जाए, ऐसी व्यवस्था भी तो हो सकती है। देखिए बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, और हर एक मेडिकल कॉलेज, हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ एक एसोसिएटेड पुलिस पोस्ट होता ही है, क्योंकि हर एक हॉस्पिटल में मेडिकल लीगल केसेस आते हैं, मेडिकल लीगल केसेस बिना पुलिस के इन्वॉल्वमेंट के रिजॉल्व नहीं हो सकते, तो ये पुलिस पोस्ट और ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल्स के अंदर हैं। हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन की, हम बात कर रहे हैं घटना होने के बाद जो ट्रायल होगा उसकी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि जैसे आपने बोला, तो एक इसमें सवाल ये भी लोग उठाते हैं कि मरीज के साथ अगर किसी ने कुछ गलत किया, या कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे मरीज को ज़बरदस्ती रखा है पैसे वसूलने के लिए, ये सारी चीज़ें। मैं आपको ये बात बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल, अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो मेरा ट्रायल होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे से कोई भी मेडिकल नेग्लिजेंस होता है तो जो भी लॉज बने हैं, जो भी लॉज चल रहे हैं, उसके हिसाब से मेरा ट्रायल भी होना चाहिए। लेकिन मेरा ट्रायल होना चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि ऑन स्पॉट मुझे मार दिया जाए। हाँ, है ना, बिल्कुल। हमें मरीज के तरफ से भी हम जस्टिस की डिमांड करते हैं, मरीज की अहमियत, मरीज का वैल्यू, मरीज की लाइफ की वैल्यू और उसके राइट ऑफ जस्टिस की वैल्यू हम करते हैं। हम चाहते हैं कि उसको भी जस्टिस मिले, सिर्फ हमको ना मिले। तो अगर कुछ भी होता है, अगर मेरे से गलती हुई है तो मैं भी उसके लिए उतना ही जिम्मेदार हूँ। कानून से अलग अगर हम बात करें तो फिर से मैं एक बार कोलकाता जो हॉस्पिटल है उस पर बात करूँगा। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतनी बड़ी घटना एक हॉस्पिटल में, जहाँ पे तमाम डॉक्टर्स का आना जाना होता है, नर्सेज होती हैं, सिक्योरिटी होते हैं, कैमरा भी होता है, आने जाने में चहल पहल होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन इन सब चीज़ के बावजूद जो घटना हुई, जिस तरीके से रिपोर्ट आई कि कितनी ब्रूटली तरीके से उसके साथ वो हुआ, आवाज़ आई होगी, तमाम चीज़ें हुई, क्या वहाँ पे ये है कि ये कोई प्लान्ड वे में किया गया होगा, कैसे ये चीज़ें हो गई? देखिए ये हमें नहीं पता, ये प्लान्ड है, ये एक स्ट्रक्चर, वहाँ का व्यवस्था कैसा होता है ये। हाँ, आप हॉस्पिटल में हैं इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ, बाहर के लोगों को ये चीज़ नहीं पता होता है कि हॉस्पिटल की व्यवस्था कैसी है। देखिए हॉस्पिटल की व्यवस्था, अगर मैं एम्स की बात करूँ तो एम्स में सुरक्षा के बहुत अच्छे प्रावधान किए गए हैं, एम्स ने किया, वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें जल्दी संभव नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो हमारे रीजनल मेडिकल कॉलेज हैं, जो पेरिफेरी के मेडिकल कॉलेजेस हैं, अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, किसी भी वार्ड के बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता। आपके वार्ड में 40-50 मरीज भर्ती हैं, उनके साथ 40-50 उनके जो अटेंडेंट्स हैं वो रहते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सीसीटीवी कैमरा किसी वार्ड के बाहर नहीं लगा हुआ। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, मैंने जिस कॉलेज से MBBS किया उस कॉलेज में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। रात में कोई बवाल हो जाए, कुछ हो जाए, नहीं है, कोई एविडेंस आप कलेक्ट ही नहीं कर सकते। अगर सीसीटीवी कैमरा लगा भी है कहीं फ्रंट गेट पे, फॉर नेम सेक लगा हुआ है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। रोज़ वहाँ से 10,000 की भीड़ अंदर जा रही है, 10,000 की भीड़ बाहर आ रही है, उसमें से आप एक चेहरे को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यही आदमी इस कमरे में पर्टिकुलरली गया था? इसके लिए तो आपको हर एक फ्लोर पे, हर एक कॉरिडोर में, हर एक कमरे के सामने सीसीटीवी कैमरेज लगाने पड़ेंगे, जो कि लगना भी चाहिए। आज के टाइम में जब हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया, ये इंडिया, आप सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर दो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमको दिखेगा कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको एक्सेस है, किसको नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो ड्यूटी आवर्स हैं, डॉक्टर के जो ड्यूटी आवर्स हैं, आप पेरिफेरल मेडिकल कॉलेजेस में जाके देखिए, एक एक डॉक्टर 36-36 घंटे, 40-40 घंटे काम करता है, लगातार काम करता है विदाउट रेस्ट। उसके पास सोने की जगह नहीं है, उसके पास बैठने की जगह नहीं है, उसका अगर पैर दुख जाए तो पैर सीधा करने के लिए उसके पास जगह नहीं है। मैं मेरे हॉस्पिटल की बात बता रहा हूँ, जहाँ से मैंने MBBS की पढ़ाई करी, रीजनल मेडिकल कॉलेज है वो, वहाँ पर अगर डॉक्टर को सोना था रात को तो उसको मरीज का स्ट्रेचर खींच के कहीं कॉरिडोर में किनारे करके, और वहाँ पे दवाइयों के जो खाली बचे हुए कार्डबोर्ड्स होते हैं वो बिछा के उस पर सोना पड़ता था, क्योंकि सुविधा नहीं है। वॉशरूम की हम बात करते हैं, फीमेल वॉशरूम, मेल वॉशरूम, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ वॉशरूम ही नहीं है। आपको या तो पेशेंट के वॉशरूम में जाना पड़ेगा, या आपको अपने हॉस्टल या आपका रेजिडेंस, जहाँ पे भी अगर कोई इमरजेंसी आपको हो गई रात को, तो आपको अपने हॉस्टल या अपने रेजिडेंस ही जाना पड़ेगा, आपको वॉशरूम नहीं मिलेगा वहाँ।
इतना बुरा कंडीशन है आप जो बता रहे हैं, ये तो मतलब कि बहुत आश्चर्य हो रहा है एक आम दर्शक को भी सुन के कि एक स्कूल में भी जो टीचर्स होते हैं उनके लिए व्यवस्थाएं होती हैं। अब रात में अगर जहाँ पे कैमरा नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, वॉशरूम नहीं है, लेटने की व्यवस्था नहीं है, ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो महिलाएँ ख़ास तौर से हैं उनके लिए क्या है, वो कैसे फिर वहाँ पर सर्वाइव कर पाती हैं? महिलाओं के लिए कोई अलग से कोई प्रावधान नहीं है, ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया ये सब कुछ ऐसा ही है और ये कॉमन है। अगर एक फीमेल डॉक्टर को भी रात को सोना पड़े एक रीजनल मेडिकल कॉलेज में, तो या तो वो कोई खाली बेड पड़ा होगा मरीज का तो उसी पे सो जाएगी, इसकी तो फोटोज़ वीडियो सब कुछ वायरल होते रहते हैं समय समय पे, या फिर वो अपने जो नर्सिंग काउंटर है जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे ही अपना सिर नीचे करके वो लेट जाते हैं। इससे ज़्यादा उनके पास और कोई सुविधा नहीं है। वॉशरूम तो आप छोड़ दीजिए, वॉशरूम नहीं है कहीं पर भी किसी भी हॉस्पिटल में, फीमेल के लिए अलग से वॉशरूम उसके वार्ड में नहीं है। एम्स में है? एम्स में वार्ड के अंदर जो रेजिडेंट डॉक्टर रूम होता है उसके अंदर वॉशरूम्स बने हुए हैं, वो अटैच्ड वॉशरूम्स हैं। बाकी हॉस्पिटल्स जो हैं यहाँ पे बड़े, बाकी हॉस्पिटल्स दिल्ली में एग्जैक्टली नहीं बोल सकता, हर एक हॉस्पिटल का अपना अलग प्रावधान है, लेकिन एम्स के अंदर डीडी जो हमारे ड्यूटी रूम्स हैं उनके साथ अटैच्ड वॉशरूम्स बने हुए हैं। मैं एम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एम्स में हमारे पास एडिक्वेट फैसिलिटीज़ हैं, मैं बात कर रहा हूँ रीजनल मेडिकल कॉलेजेस की। और ये जो घटना घटी है आरजी करके, ये भी एक रीजनल मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर ये सुविधाएँ नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि हम मैटरनिटी की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि महिलाओं को लीव मिलनी चाहिए, आप रीजनल मेडिकल कॉलेजेस में जाइए वहाँ पर महिलाओं को कितने दिन की मैटरनिटी लीव मिलती है आप पता करिए। सरकार ने 6 महीने का प्रावधान किया हुआ है मैटरनिटी लीव का, कितने दिन की मैटरनिटी लीव मिलती है पता करिए जाके, नहीं मिलती। इतनी अव्यवस्था है और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इतना टाइट व्यवस्था है कि उनको लीव नहीं मिल रहा है, उनको काम इतना ज़्यादा करना पड़ रहा है, इन सब चीज़ के बावजूद भी अगर देखा जाए तो जो आम जो रीजनल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनकी स्थिति भी बहुत ख़राब है, काम नहीं दिख रहा है और काम हो ज़्यादा रहा है, ये मतलब इसका क्या मैनेजमेंट एकदम से पूरी तरीके से फ्लॉप है या कैसे सिस्टम चल रहा है इनका? देखिए इसका जो सबसे बड़ा फ्लॉ है वो जब हम बजट एलोकेट करते हैं तो उस टाइम पे हमें ये देखना चाहिए कि हमारे बजट का कितना परसेंट हम हेल्थ के ऊपर खर्च कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो 1% 2% से ज़्यादा हम बजट का फ्रैक्शन हेल्थ एक्सपेंडिचर पे नहीं डालते हैं। किसी भी देश की जो तरक्की है जिसकी हम बात करते हैं कि हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 130, 140, 150 पे चल रहा है, हम बहुत सारे आसपास के पड़ोसी देशों से भी पीछे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारा एजुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ख़राब है, और वो इसलिए ख़राब है क्योंकि हम उस पर स्पेंड नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो एक चुनावी मुद्दा नहीं है। अगर हम किसी डॉक्टर को या किसी मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर को कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो उससे हमको कोई वोट मिलने वाला नहीं, इसलिए ये मुद्दा कभी भी प्राइमरी कंसर्न नहीं बनता है समाज के लिए या सोसाइटी के लिए। तो हमारे सोसाइटी और समाज को भी ये बात समझनी चाहिए कि जब हम इलेक्शंस के टाइम पे किसी को वोट देने जाते हैं तो हम उनसे किन चीज़ों पे बात कर रहे होते हैं, क्या हम उनसे मांग रहे होते हैं। जाति धर्म संप्रदाय इलाका क्षेत्र राजनीति ये सब देख के तो हम वोट कर देते हैं, पर क्या उससे हमारे जो कंसर्न्स हैं, फिर हम अगले 5 साल तक इन चीज़ों के लिए लड़ते रहते हैं कि हमारे पास स्कूल नहीं है, हमारे पास सुरक्षा नहीं है, हमारे पास अस्पताल नहीं है, तो वो नहीं होगा क्योंकि आप उन चीज़ों की मांग ही नहीं कर रहे हो। तो डॉक्टर संजीव ने हमें बताया कि किस तरीके से जो डॉक्टर्स की जो समस्या है उन समस्याओं पे अभी तक देश का जो सिस्टम है, देश का मंत्रालय है, देश की सरकार है, उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया है जिसकी इनको ज़रूरत है, जो इनकी डिमांड है, और इन्हीं वजह से ये एक स्पेशल कानून की मांग कर रहे हैं जो इनके लिए, क्योंकि इनका कहना है कि इनका जो लाइफ है वो उसी चीज़ से गुजर रहा है, डेली उनको ऐसे केसेस आते हैं इनके सामने जिसके तहत इनके ऊपर कभी भी कोई अटैक कर सकता है या तमाम मामला हो सकता है, और इस चीज़ से सुरक्षा के लिए ये एक कानून चाहिए। इसके अलावा आरजेकर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ भी हुआ उस चीज़ को लेकर भी इनके सवाल हैं, और वो सवाल जायज़ हैं क्योंकि जिस तरीके से इस चीज़ को गोल गोल घुमाया गया, ज़्यादा लंबे वक्त तक खींचा गया, इनकी मांग है कि इस चीज़ को जल्दी इसका हल हो। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो अभी तक एक जिस आदमी को सस्पेक्ट किया गया है, इसके अलावा भी ये ऐसा बता रहे हैं कि और लोग भी इस मामले में शामिल थे। TV9 से जेरी के साथ मैं अंकित।